तुम्हारे पापा का शरीर तो पूरा नीला पड़ गया है, जल्दी से इन्हें जहर वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो जल्दी लगा ना। ठीक है इंजेक्शन लगाता हूँ। थोड़ा धीरे से इंजेक्शन लगाना डॉक्टर, बहुत दर्द होता है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इंजेक्शन बहुत धीरे से लगाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है तब लगाओ। लो इंजेक्शन लग गया, अब सांप के जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या अब मेरे पापा बच जाएंगे? वो मरेंगे तो नहीं? हाँ, अब तुम्हारे पापा बच जाएंगे, इन्हें कुछ नहीं होगा। चलो अब मैं चलता हूँ किसी दूसरे मरीज को देखने। अरे चिंटू, मैंने अभी कुछ देखा। तूने क्या देख लिया चूहा? मैंने अभी बहुत बड़ा पूछ देखा। जरूर कोई बड़ा सा जीव बाढ़ के पानी में आ गया है। तुम जाओ डॉक्टर, ये झूठ बोल रहा है। नहीं मत जा डॉक्टरवा, नहीं तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। चल हट, मेरे पास इंजेक्शन है, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे ये घोप दूंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे मत जा, मैं कह रहा हूँ। चुप हो जा, नहीं तो तुझे ये घोप दूंगा। अरे दादा, ये क्या चीज है? Oh no! मैंने बोला था ना चिंटू, कि पानी में कोई बड़ा सा जीव है। वो देखो। अरे हाँ रे चूहा, ये तो एक बड़ी सी मछली है। लेकिन इतनी बड़ी मछली गांव में कैसे आ गई? बाढ़ के साथ आ गई, और कैसे आई? अरे मुझे बचा लो रे इस बड़ी मछली से। मैंने बोला था कि मत जा। अगर मैं उसे इंजेक्शन घोपने गया तो वो मुझे निगल लेगी रे दादा। नहीं। Oh no! अरे ये तो मेरी नाव को ही खा गई, अब मैं कैसे भागूंगा? अरे वो मछली तो उसकी नाव को ही खा गई। कहीं उसने टेम्पो को भी खा लिया तो तब हम कहाँ जाएंगे? वो इस टेम्पो को नहीं खा पाएगी। ये टेम्पो बहुत बड़ा है। पापा आप ठीक हो गए? हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जिसने तुमको बचाया वो ठीक नहीं है, वहाँ देखो। अब यहाँ पर मुझे पकड़ के दिखा। अब तू मुझे यहाँ नहीं पकड़ पाएगी। अरे दादा, ये तो इस पेड़ को ही उखाड़ने की तैयारी में है, अब क्या करूं? अरे बंदर भाई, तुम भी यहाँ पर हो? देखो ना, ये बड़ी मछली तुम्हारे घर को गिरा रही है। देखो वो मछली उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रही है और उस पर एक बंदर भी है। छोड़ना मत बंदर भाई, उसने तुम्हारे घर को गिराया है। अरे बंदर भाई, तू मेरे ऊपर क्यों बैठ गया? चल अब जल्दी उतर जा। नहीं काटना मत, तुम वहीं बैठे रहो। अरे वो सब तो यहीं आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे मछली भी आ रही है। बंदर भाई, तू उसे मार मार के हमसे दूर ही रखना, नहीं तो वो हम दोनों को एक साथ निगल जाएगी। इस टेम्पो पे जल्दी आजा डॉक्टर। अरे तुम उन्हें यहाँ क्यों बुला रहे हो? इस टेम्पो पे पहले से ही ज्यादा वजन है और अगर वो आ गए तो टेम्पो का छत टूट जाएगा। अरे उसी डॉक्टर ने मेरी जान बचाई है, तो मैं भी उसे बचाऊंगा। तू रुकना मत, उसे मारते रहो जब तक वो यहाँ से भाग नहीं जाती।